अभी तक किसी माध्यम से इस्तीफे पहुंचाए थे। 12 से 3 बजे आज 3 घंटे फिर बैठा, किंतु टीवी में विभिन्न माध्यमों से न जाने कौन कौन सी चर्चाएं मार्केट में आ रही हैं, लेकिन जिसके पास इस्तीफा सौंपा है उसके पास सीधे संपर्क क्यों नहीं किए जा रहे हैं, ये आप लोग जानिए, क्योंकि आप लोगों के ही चैनल में विभिन्न माध्यमों से कहीं ना कहीं कोई चीज चल रही है। फिर ऐसी परिस्थितियों में ये प्रदेश के अन्य मुख्य लोकतंत्र के मुखियों के अलावा मैं विधानसभा का संविधान के तहत नियुक्त विधानसभा अध्यक्ष हूँ, कहीं ना कहीं मैं उन विधायकों का संरक्षक हूँ। अब जो न्यूज़ें आ रही हैं, मैं चिंतित हूँ संरक्षक होने के नाते कि मेरे विधानसभा के माननीय सदस्यों के साथ क्या हो रहा है, और ये लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मैं जानता हूं अगर हम चिंतित हैं तो मीडिया भी चिंतित है। आइए हम सब मिलकर इस चिंता को कैसे दूर करें, इस पे विचार करें। धन्यवाद सर। जो कोरोना का थ्रेट है, बस एक कोरोना का थ्रेट है, आपको लग रहा बहुत गंभीर है और देखिए किसी देश के प्रेसिडेंट की वाइफ भी से प्रभावित है। आप लोगों ने आपके माध्यम से मैं देखता हूँ, हमारे प्रदेश में भी कहीं ना कहीं इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है मेडिकली, आप लोग भी सब अच्छी तरह से परिचित हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में मैंने आपसे कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कल जब आप आएंगे आपको मास्क भी दिए जाएंगे और हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर भी दिया जाएगा, इंतजाम कर दिए हैं मैंने। और वो चिंता जो आपका प्रश्न है वो चिंता वही है, तब तो ये प्रश्न पैदा हो रहा है। और पहली प्राथमिकता किसी भी लोकतंत्र या किसी भी देश या किसी भी प्रदेश की स्वास्थ्य के प्रति होती है, ऐसा हम और आप जानते हैं। और वर्तमान जो परिस्थिति और परिप्रेक्ष्य पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो वो आपको चिंता है, अन्यथा आप प्रश्न क्यों करते मेरे से। तो जब आप प्रश्न कर रहे हैं चिंता आपको भी है मुझे भी है। मुख्यमंत्री को जो राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है जिसकी प्रति आपको भी भेजी गई, और उसमें उन्होंने कहा है कि 16 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण के फौरन बाद वो अपना फ्लोर पर बहुमत साबित करें, तो क्या ये राज्यपाल देते हैं या स्पीकर तय करते हैं कि कब फ्लोर टेस्ट होगा, ये कल देखने को मिलेगा आपको। सर बस हम आप हमारे लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं के शिक्षक भी हैं सर, बस ये समझना चाह रहे थे, भले आप इसको सवाल के तौर पर ना लें, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जैसा मनोज भाई ने सवाल ये कल बताएंगे हम। सर कहा जा रहा है कि गवर्नर संदेश दे सकता है सर, पहले होगा या कल बाद में। देखिए मैंने कल भी कहा था कि कब मुझे क्या निर्णय लेने हैं मैं पूर्व से काल्पनिक रूप से नहीं बता सकता। अभी जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो अंधेरे में तुक्का मार रहे हैं और मैं उस तुक्के के सहभागी नहीं बनना चाहता। मैंने कल व्यवस्था समझाई, मैंने क्या अधिकार हैं मध्य प्रदेश सभा अध्यक्ष के स्थाई, मैंने कल पढ़ के बता दिया था। जो आपके प्रश्न हैं उसका उत्तर उसमें छुपा हुआ। लोकतंत्र सुरक्षित है मध्य प्रदेश में? मैंने फिर आपको जवाब दिया, लोकतंत्र के बारे में जो मैं संरक्षक हूँ माननीय विधानसभा सदस्यों का, आपके ही चैनलों में बताया जा रहा कि क्या स्थितियां हैं, आप ही तय करें कि सुरक्षित है। सर आप ही तय करिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं, आप ही तय करिए, आपके चैनलों पे चल रहा है। आप अगर आप प्रश्न करते हैं तो आप लोगों को कभी कभी उत्तर भी ढूंढना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तय नहीं है कि फ्लो टेस्ट होगा या नहीं, आप ये कहना, आप बार बार प्रश्न करते हैं, मैं बोल रहा हूँ ये प्रश्न फिर काल्पनिक है।
अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, जो विधायक गायब हैं, 22 विधायक गायब हैं, उनके ऊपर जिस पार्टी के वो विधायक है उनका कहना है कि उनको किडनैप कर लिया गया है, आप यहाँ के संरक्षक हैं विधानसभा के, उनको वापस लाने के लिए आप कोई कार्रवाई? मैंने यही कहा है कि विभिन्न लोकतंत्र के स्तंभ जिस राज्य में विराजमान हैं, मेरे अलावा उनको भी चिंता करना चाहिए सकारात्मक। सर, एक सेकंड, सर, 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 सर